तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। अभी सुबह का टाइम हो चुका है दोस्तों, और आज हम कंपनी से छुट्टी लिए हैं क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काम हो रहा था। थोड़ा तो रेस्ट ले लेते हैं, तो उसके लिए रेस्ट थोड़ा लिए हैं। और अभी मतलब आज छुट्टी पे थे तो देख सकते हैं बहुत लेट के सो के उठे हैं हम। सुबह तो पहले उठ जाती है सुबह सुबह, और देख सकते हैं घर का हालत कैसा है। और चले अभी सुबह से मिलते हैं, सुबह क्या कर रही है सो, और आज खाना ना क्या होना है सीमा बताइए। चलिए पहले सीमा से मिलते हैं। देखिए क्या कर रही है सीमा, दाल को डब्बा में रख देते हैं, फिर ऐसे ही छिद रहा है दोस्तों। खाना ना बन गया है, आप लोग कैसे हैं? तो खाना बना लिए, चिकन चावल सुबह सुबह, तो देख सकते हैं दोस्तों सुबह सुबह सीमा चिकन बना लिए। इसमें चावल देख सकते हैं, बनाए थे आज, यही घर पे थे तो कुछ अच्छा ही बना के देते हैं। और दोस्तों खाना ना भी खा गए, खाना ना खा लिए हैं, रेडी भी हो गए हैं। और सोच रहे हैं दोस्तों कहीं घूमने के लिए जाएं, लेकिन नहीं जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि हम 3-4 दिन पहले वीडियो डाले थे, तो आप लोग पूछ रहे थे मतलब क्या था रिपोर्ट में, नहीं था दोस्तों। वो वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा क्योंकि हम कल जाएंगे चेकअप कराने के लिए। इसके लिए तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी आप लोगों को मतलब डिटेल में बताते हैं कि दोस्तों सीमा को पेट में मतलब जब एक साल हो गया ना, एक साल पहले जब मेरा बेबी मतलब डिसमैरिज क्या बोलते हैं जो हुआ था, तो उसके बाद हम लोग तो घर पे क्या होता है, सब लेडीज़ वगैरह रहते हैं तो समझते हैं, और यहाँ पे तो कोई था नहीं, हम थे और सीमा थे, तो इतना हम तो इस चीज़ समझ नहीं पाए। और दवाई ववाई चला, सब कुछ ठीक था, लेकिन फ़िलहाल सीमा को क्या हो रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा पेट में सीमा को शायद टिस्ट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी का एक होता है ना कि यहाँ पेट में कभी कभी टीस मारता है, मतलब एक दर्द करता है, फिर ठीक हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो मुझे तो दोस्तों हम लोग सोचती क्या दिक्कत है, नहीं वजह से जाते हैं सोनोग्राफी करा के दिखाते हैं। तो क्या हुआ था ना कि दोस्तों जब मतलब ये चीज़ हुआ था, मतलब बच्चा डिसमैरिज हो गया था, तो फिर मतलब जो डॉक्टर थे वो बोले थे कि यदि आप लोग फिर नेक्स्ट टाइम जब बच्चे का प्लानिंग कीजिएगा तो पूरा चेकअप वगैरह करा लीजिए अच्छे से। लेकिन बीच में सीमा को अभी मतलब कुछ थोड़ा दर्द ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे कुछ तो प्रॉब्लम होगा उस, वो तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग डॉक्टर नहीं है, तो इसके लिए चलो चेकअप करवा देते हैं क्योंकि वो सही रहेगा, अंदर की चीज़ की बात है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग उसमें गए थे, उस दिन गया तो रिपोर्ट वगैरह वो सब लिख कर दिए कि ये चेकअप करवाना है, फिर हम मतलब बंद हो गया हॉस्पिटल, आ गए थे टाइम मतलब 2 बजे तक बंद ही हो जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए सोच रहे कि हम आज जाते हैं और आज चेकअप वगैरह क्या होगा नहीं होगा सब आज करवा के आते हैं। और दोस्तों क्या है ना, हॉस्पिटल में जाने के बाद वीडियो बनाने पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इतना मतलब टेंशन रहता है, काम रहता है इसके लिए। तो दोस्तों अभी चलेंगे हॉस्पिटल और जाके चेकअप करवाएंगे, और क्या है नहीं ये तो कल रिपोर्ट देगा। हाँ, कल रिपोर्ट देगा, फिर जो कल रिपोर्ट देगा उसमें दोस्तों आप लोग हम सब पूरा डिटेल में बताएंगे क्या है नहीं ये। और बहुत आदमी कमेंट किए कि सीमा दीदी तो शॉर्ट वीडियो बनाती है तो उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद बच्चे का प्लानिंग हो रहा होगा। तो हाँ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग उसके बारे में अभी फिलहाल सोचेंगे ही, और सोचना ही पड़ेगा ना क्योंकि नहीं सोचेंगे तो ऐसा थोड़ी ना चलने वाला। तो लेकिन फिलहाल अभी जो सीमा कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता नहीं होता है, बाकी सब आप लोगों को कल वीडियो मिलेगा। बाकी अभी के लिए जा रहे हैं, अभी चेकअप कराएंगे, फिर कल हो सकता है तो बुलाएंगे ना रिपोर्ट के लिए। हाँ, तो अभी पूरा हम लोग रेडी हो चुके हैं, खाना वाना खा के रेडी हो गए हैं, और रिपोर्ट वगैरह सब उधर झोला भी रख लिए पानी वानी, तो चलते हैं दोस्तों। और जाने के बाद यही प्रॉब्लम है, पूरा दिन ही लग जाता है, समझ लेते हैं वो भी पूरा दिन ही हो जाता है, ऊपर होता कम या ज्यादा ही लिख देता है। और दोस्तों पता है क्या, ये सब जितना भी दिक्कत हुआ है दोस्तों नहीं हो पाता यदि हम लोग घर पे रहते तो, आप लोग सब को पता है। और हम लोग अब यदि नेक्स्ट टाइम यदि कुछ प्लानिंग रहेगा बच्चे उच्चे का डेट शीट कुछ भी, तो हम लोग पहले ना पैसा वैसा पहले अच्छे से रख उठ के घर चले जाएंगे, घर वाले बुलाएंगे तो भी, नहीं बुलाएंगे तो भी, जो भी रहेगा घर जाएंगे और अच्छे से जाके पहले वहीं पे रहेंगे, वहीं पे काम थोड़ा बहुत करेंगे। उससे क्या होगा मतलब यहाँ पे रहेगी तो हम जाएंगे ड्यूटी, सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीढ़ी पर नीचे ऊपर आना पड़ेगा, तो इसको दिक्कत हो सकता है क्योंकि हम लोग पहले नहीं समझ पाए थे, उतना दिमाग नहीं था, मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, जानकारी नहीं था। अब थोड़ा बहुत समझे, कहता नहीं कि ठोकर लगता था तो समझ आता है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो सब कुछ हम अच्छा से करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा ही रहेगा क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं ना, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।